अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद इस्माइल अहमद। आज की इस वीडियो में हम ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। एक कॉलम के अंदर जो ट्रेस लगी हुई होती हैं डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, वो कितनी टाइप्स की होती हैं ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कॉलम्स में। देन हम फंक्शन देखेंगे, उनका फंक्शन ट्रेस का होता क्या है, ट्रेस यूज़ किस लिए होती हैं बेसिकली कॉलम के अंदर। देन हम देखेंगे कि पर्पज़ ऑफ ट्रेस, कि क्या वजह होती है कि हम डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर ट्रेस को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ट्रेज इन डिस्टिलेशन कॉलम, अगर हम ट्रेज की बात करें डिस्टिलेशन कॉलम में, वो किस लिए यूज होती हैं? वेपर लिक्विड मास ट्रांसफर अचीव करवाने में। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे कॉलम एक रफ सा मैं आपको स्केच से बताता हूँ, ये आपके पास एक कॉलम है, यहाँ पे आपके पास ट्रेज लगी हुई है। ट्रेज हम ज्यादातर तीन तरह की पढ़ेंगे आगे, बबल कैप ट्रे, सीव ट्रे और वेल्व ट्रे। तो ये हमारे पास इस तरह की ट्रे, अगर हम सपोज करते हैं ये आपके पास सीव ट्रे लगी हुई है यहाँ पे, तो सीव ट्रे में पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, या पोर्स आप कह सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे होल्स लाइक होते हैं नीचे से आपकी, क्योंकि हमें पता है जो फ्लूड है और जो फ्लूड गैस होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है अपवर्ड मूव करने की। तो हम गैस को हमेशा डाउनवर्ड से जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऊपर से हमारा लिक्विड जो है वो यहाँ से आ रहा हो। जैसे ही ये दोनों आपस में कांटेक्ट होंगे तो उनका जो कांटेक्ट एरिया होगा वो होगा ये ट्रेस। अगर ये ट्रेस नहीं होंगी तो कभी भी मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। मास ट्रांसफर उस केस में होगा कि जब लिक्विड और गैस को आपस में कांटेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिले। तो जो टाइम मिलेगा ना, होल्डअप, लिक्विड होल्डअप जो होगा यहाँ पे, लिक्विड होल्ड होगा इस ट्रे के ऊपर और यहाँ से गैस बबल्स आके उसको जो उसके अंदर से जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करके ऊपर से लेके जा रही होगी। तो इससे जो हो और जो नीचे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो यहाँ से हम उसको सेपरेट करते रहेंगे। तो ये बेसिकली जो लिक्विड होल्डअप यहाँ पे होगा ना, और यही बेसिकली वेल्व जो होती हैं वो आपकी प्रॉपर लिक्विड मास ट्रांसफर करवाती हैं। ईच ट्रे कैन बी कंसिडर्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ थ्री सेक्शन। हर ट्रे के अंदर तीन सेक्शन लाजमी होते हैं, जिसमें वेयर, बबलिंग एरिया एंड डाउन कॉमर होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि वेयर क्या है, बबलिंग एरिया क्या है और डाउन डाउन कॉमर क्या है। वेयर जो है वो बेसिकली आपके पास डिजायर्ड लिक्विड लेवल ट्रे के अंदर जो है वो, फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रे है, तो जो ये हिस्सा होगा ना ये बेसिकली कहलाएगा वेयर। मैं आपको ये जब हम डायग्राम देखेंगे टाइप्स पढ़ रहे होंगे ट्रेस की, तो उसमें मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ वेयर क्या होगा और डाउन कॉमर। बेसिकली ये आपके पास ट्रे है और इस तरह से ये फ्लो के लिए जो है वो ये बनाया हुआ होता है कि यहाँ से ये लिक्विड आके न्यू फ्लो अगर होगा, तो यहाँ पे जो ये एरिया होगा जहाँ तक लिक्विड होल्ड करने के लिए जो जगह होगी इसको कहते हैं वेयर। डाउन कॉमर कहते हैं जो ये एरिया होगा जहाँ से लिक्विड फ्लो होगा उसको कहते हैं डाउन कॉमर, जहाँ से लिक्विड नीचे की तरफ एग्जिट हो रहा होगा, नीचे नीचे वाली नेक्स्ट ट्रे के ऊपर आ रहा होगा लिक्विड, वो एरिया जो कहलाता है, वो सेक्शन कहलाता है आपका डाउन कॉमर। नेक्स्ट है बबलिंग एरिया। बबलिंग एरिया क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे यहाँ से लिक्विड आ रहा है, यहाँ से वेपर आ रहा है, ये दोनों जो कॉन्टैक्ट हुए हैं ये एरिया कहलाएगा आपके पास क्या, बबलिंग एरिया। नेक्स्ट सीव्स की अगर बात की जाए, सीव बेसिकली पोर्स को कहते हैं, जो पोर्स होती है ना, जहाँ पे अगर पोर्स ना हो तो फिर कैसे कॉन्टैक्ट होगा लिक्विड या उसके अंदर, लिक्विड और गैस का कॉन्टैक्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से कुछ एरिया ही नहीं है कि गैस ऊपर लिक्विड से कॉन्टैक्ट करे। तो जो पोर्स होती है ना, पोर्स वो कहलाती हैं बेसिकली ये सीव। नेक्स्ट इसकी टाइप्स को देखते हैं, बबल कैप ट्रेस पढ़ेंगे, सीव ट्रे पढ़ेंगे एंड देन हम लोग वेल्व ट्रे को देखेंगे। इन तीनों टाइप्स को हम जो है वो अभी स्टडी। बबल कैप ट्रेस क्या होती है बेसिकली, इसके अंदर एक राइजर होता है। राइजर बेसिकली यहाँ से आपके पास ये स्लॉट लगी हुई होती है, जैसे ही ये स्लॉट ओपन होती है आपके पास लिक्विड यहाँ से आता है अंदर और यहाँ से जो गैस आ रही है वो लिक्विड से कॉन्टैक्ट करती है, यहाँ से जो गैस आ रही है वो लिक्विड से कांटेक्ट करती है और जो कंपोनेंट सेपरेट करने होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और जो आपके पास प्रोडक्ट है वो यहाँ से जो है वो आपके पास मिल जाती है। तो यहाँ पे इसकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पोर्स जो हुए हुए हैं, जो लाइंस में होल्स निकले हुए हैं इस तरह के, ये कैप्स होते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ ये वेयर कहलाता है, ये जो एरिया होता है जहाँ पे ये लिक्विड आके इन सब के ऊपर गिर रहा होगा लिक्विड, तो यहाँ तक कितना लिक्विड की स्टोर कर सकती है ये ट्रे ना, कितना लिक्विड को होल्ड कर सकती है, ये वेयर कहलाता है।
ये कहलाते हैं डाउन कॉमर्स, जहाँ से ये लिक्विड जो है वो फिर नीचे की तरफ फॉल होगा, लिक्विड जो है नीचे की तरफ फॉल होगा, नेक्स्ट ट्रे के ऊपर जाएगा, तो ये कहलाती है डाउन कॉमर्स। ये सेपरेशन होती रहती है इससे ना, जो आपके पास जो कंपोनेंट आपको चाहिए वो लास्ट में जितनी भी ट्रेज है ना उसके ऊपर लिक्विड आपका फॉल होता रहता है, सारी ट्रेज के ऊपर, यहाँ से दूसरी वाली पे जाता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, देन आपके पास जो प्रोडक्ट होता है जो सेपरेट हुआ हुआ आपके पास लिक्विड के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो आपको यहाँ से नीचे से मिल जाता है। तो यहाँ पे एक कैप्स होते हैं, ये कैप्स ओपन होते हैं या ओपन होते हैं और फिर जो है वो इसके अंदर इस तरह की जो है, यहाँ से डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ से गैस जो है वो जाती है और लिक्विड जो है वो उसके अंदर जाके जो कंपोनेंट सेपरेट करना होता है उसको सेपरेट आउट कर रही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीड ट्रे पे। इसकी जो एफिशिएंसी होती है बबल कैप ट्रे की, ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन सीव ट्रे की एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि ये डायरेक्ट ओपनिंग होता है, यहाँ पे बेयर करने की कुछ कैपेसिटी इसके पास, जाहिर सी बात है ये ओपनिंग एरिया है, यहाँ से डायरेक्ट लिक्विड आ रहा होगा और यहाँ से गैस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे, दोनों क्या आएंगे डायरेक्ट, तो जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी सेपरेशन नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा अगर फ्लो रेट थोड़ा सा भी लिक्विड का ज़्यादा हो गया फ्लो रेट, तो उससे फिर आपकी वीपिंग शुरू हो जाती है। वीपिंग बेसिकली क्या कहलाती है कि जो लिक्विड है आपका वो फॉल होना शुरू हो जाए, उसका हल्का सा भी फ्लो रेट ज़्यादा हो और गैस का थोड़ा वेपर, जिसको हम कहते हैं लो वेपर फ्लो कंडीशन होती है, अगर गैस का वेपर जो है वो कम है वेपर फ्लो रेट, तो उससे ये होता है कि लिक्विड जो है वो फॉल होना शुरू हो जाता है। इस सीव ट्रे में बेसिकली ये पोर्स होते हैं, अगर आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हो, यहाँ से लिक्विड नीचे आके गिर रहा होता है इसके ऊपर से, और नीचे से जो है वो गैस जो है वो पास होके उससे सेपरेट आउट कर रही होती है लिक्विड के अंदर कंपोनेंट। नेक्स्ट और लास्ट आपकी टाइप है जिसे हम वेल्स ट्रे कहते हैं। वेल्स ट्रे की भी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। इससे होता क्या है, ये बेसिकली इसके ऊपर लिक्विड गिरता रहता है, गिरता रहता है, और जो नीचे से वेपर आ रहे होते हैं ना वो इस वेल्व को ओपन करते हैं, जिस तरह आपने मोटर्स के अंदर वेल्व लगे हुए होते हैं उससे यही होता है ना, जैसे ये वेपर आ रहा होता है। अच्छा, इसमें तीन कंडीशन होती हैं, नॉर्मल वेपर कंडीशन, लो वेपर की और हाई वेपर कंडीशन। नॉर्मल वेपर, नॉर्मल जो ऑपरेशन के अंदर आप डिस्टिलेशन कॉलम पे जो ऑपरेट कर रहे होंगे वो नॉर्मल में कर रहे होते हैं, हमने वेपर रेट आपका नॉर्मल होता है, अगर आप हाई कर देंगे तो जो है ये जो कैप है वो पूरा फुल ओपन हो जाएगा। आप देखें नॉर्मल में तकरीबन हाफ ओपन हुआ हुआ है और लो वेपर में बिल्कुल 1/4 ओपन हुआ हुआ है और हाई वेपर में फुल ओपन हो जाता है। तो सबसे अच्छी फिजिबल कंडीशन यही है, और एफिशिएंट आपको एफिशिएंसी अच्छी जब ही मिलेगी जब आप नॉर्मल वेपर फ्लो रेट पे इस वेल्व ट्रे को ऑपरेट करवा रहे हो। ये बेसिकली वेल्व लगे हुए हैं, आपको देख रहे होंगे ये कैप हैं, जैसे ही नीचे से वेपर आया तो ये कैप ओपन हो जाते हैं, इस तरह से उड़ जाते हैं, और फिर जो है लिक्विड से कांटेक्ट में जब वेपर आते हैं तो सेपरेट आउट इस तरह से आपके पास हो रहे होते हैं। तो ये जस्ट ये आपके पास तीन टाइप्स थी। आई होप कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ आई हो, सेक्शन समझ आ गए होंगे ट्रे के क्या होते हैं और ट्रे की टाइप समझ आ गए, और ट्रे हमारी क्यों यूज़ होती है, प्रॉपर लिक्विड टू मास ट्रांसफ़र के लिए ट्रे जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।